पीटीए का जो लीडर है ना, पीटीए का जो लीडर है, बेशक लोग कुछ भी कहते रहे, इतना बहादुर आदमी बर्रसगीर पाको के मुल्क पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है, इस 25 करोड़ से पहले 25 करोड़ लोग मर गए होंगे। इतना बहादुर आदमी पैदा नहीं हुआ, इतना ईमानदार आदमी पैदा नहीं हुआ, और इतना बेवकूफ आदमी पैदा नहीं हुआ। वो एक सिंपल है, बहुत सिंपल आदमी है, वो एक बच्चों की तरह उसका देन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो सबसे बड़ा आदमी है, इसमें क्या डाउट है। इसमें मैं ना मानू, आप ना माने, कोई भी ना माने, लेकिन वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी है। उस बंदे ने क्रिकेट में हाथ डाला, वो टॉप पे गया। उस बंदे ने सियासत में हाथ डाला, खुद पार्टी बनाई, खुद पार्टी बना के वो वज़ीर-ए-आज़म बना। उस बंदे ने इसमें चैरिटी में हाथ डाला, उसने हॉस्पिटल बना के आपको दिखा दिए, उसने नवल यूनिवर्सिटी बना के आपको दिखा दी, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा भाई। उस बंदे ने जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ उसने शादी की। यहां पे पाकिस्तान में बहुत सारे आपके लोगों ने अंग्रेजों के, अंग्रेज लड़कियों के साथ शादियां की होंगी, वो पता कौन होंगी, कोई वहां की टीचर होगी, कोई वहां पे बर्तन साफ करती होगी, कोई वहां पे एयरपोर्ट पे किसी को सामान सप्लाई करती होगी, लेकिन जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी नहीं की। कोई करके दिखाए ना, और ये भी कारनामा नहीं कि शादी की, वो बंदा उसको लेके आया, उसने अपने रंग में आके उसको रंगा, ये नहीं कि उसके रंग में रंगा गया, वो इधर लेके आया, उसको यहां पे रखा, उसको सारी पुरकशिश मरात उन्होंने देने की कोशिश की, वो बंदा नहीं गया। इसमें तो कोई मैं अच्छे बुरे भले की मैं तो उसके बारे में मेरी राय ये कि मुल्क नहीं चला सकता, क्योंकि मुल्क में 90% लोग बेईमान है, उसकी कैबिनेट आधी से ज्यादा बेईमान थी। ये जो उसका बुज़दार वाला फैसला था, कैबिनेट सिलेक्ट या किसी को एक्सटेंशन, मैं भाई कह रहा हूं कि बेवकूफ आदमी है, मैं कह रहा हूं इतना बहादुर आदमी इस धरती ने नहीं देखा। लोग सोचा करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब उसकी बात लोग किया करेंगे, लोग सोचा करेंगे कि यार इतना बहादुर आदमी इस धरती पर पैदा हुआ, इतना बड़ा आदमी इस धरती पर पैदा हुआ, आपके पास वो बंदे, उसको आपने यूज करना था। लेकिन वो बहादुर तो हिटलर भी बहुत था ना, लेकिन उसने वो पूरी कौम को फिर नहीं। अभी आपको इमरान खान की आपने सिर्फ बात किया तो मैंने उसका आपको जवाब। अच्छा ठीक है, यानी हम इमरान खान पे, किसी इमरान खान पे नहीं बात कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि बात क्यों मैंने की। ये जो आपके जो इमरान खान के मुकाबले पे जो सियासतदान है ना आपके, ये बौने हैं छोटे छोटे, इनके कद ही नहीं है। क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, इनका आप तकाबली ज्यादा लेंगे इमरान खान के साथ? शहबाज शरीफ को तो ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। शहबाज मियां नवाज शरीफ जो है इंतहाई कमजोर बुजदल आदमी है, इंतहाई कमीना और करप्ट आदमी है, और इंतहाई सियाना आदमी है, इंतहाई सियाना आदमी है। अपने मुफाद के लिए उनकी जाके देखे ना, 5 बर्रे आदमों में जायदादें हैं। आसिफ जरदारी की 5 बर्रे आदमों में जायदादें हैं। जब आखिरत में हिसाब होगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मुल्क तो आपका नीचे से नीचे जा रहा था और आप ऊपर से ऊपर जा रहे थे, किस चीज में क्या कर रहे थे आप बिजनेस? क्या ऐसा आपके पास नुस्खा आ गया था? वो मनमोहन सिंह ने कहा कि जहाज में मुझे उन्होंने मैसेज दिया, मनमोहन सिंह ने कहा, मैंने नहीं कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे जहाज में उन्होंने मैसेज दिया कि नवाज शरीफ मिलना चाहता है, तो मुझे डर लगा कि कश्मीर पे बात करना चाहता है, तो मैंने कहा कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा था। उसने कहा, मैंने बादले नखास्ता कहा कि आ जाए मिल ले। मनमोहन सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। तो उसने कहा कि वो आया मिलने, तो उसने कहा मेरी वो कुछ चीजें हैं वो इंडिया से, आप मुझे भिजवा दें। ये आपके साथ ये इमरान खान का मुकाबला करेंगे भाई? वो बहुत बेवकूफ हो सकता है, वो पागल हो सकता है, लेकिन ना वो बेईमान हो सकता है और ना वो बुजदल हो सकता है।